आज मैं सब्जी मंडी गया था सब्ज़ी परचेज करने वहां से मैं एक मेथी की गुच्छी ले आया मैंने सोचा आज मैं आलू मेथी की सब्जी बनाऊंगा तो आज मैं आपको आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने का एकदम इजी और परफेक्ट तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और कड़वी भी नहीं बनेगी अगर आपने सीखनी है ना कैसे बनाई जाती है आलू मेथी की सब्ज़ी तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है उसके बाद आप इस तरीके से आलू मेथी की सब्जी बना पाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेथी चाहिए होगी तो यहाँ पे मैंने एक गुच्छी मेथी की ली है सबसे पहले हमने इसमें नमक ऐड करना है नमक डाल दिया उसके बाद पानी ऐड करेंगे मेथी को हमने अच्छी तरह से दो लेना है, दो तीन पानी से इसमें मिट्टी बड़ी लगी होती है तो देख सकते हैं आप आवना भी इस तरीके से मेथी को धो लेना है, दो तीन पानी से तो देख सकते हैं आप मेथी को मैंने दो तीन पानी से धो लिया कितनी मिट्टी थी इसमें उसके बाद हमने मेथी को सुखा लेना है एक घंटे के लिए गिली मेथी की कटिंग करेंगे तो मेथी कड़वा टेस्ट देती है तब तक हमने आलू की कटिंग कर लेनी है यहाँ पे मैंने चार आलू लिए हैं सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं आलू की कटिंग हमने थोड़ी मोटी मोटी करनी है तो इस तरह से आलू की कटिंग करेंगे क्यूब्स में थोड़ी मोटी मोटी तो आवन भी इस तरीके से आलुओं की कटिंग कर देनी है थोड़ी मोटी मोटी उसके बाद हमने इनको पानी में डाल के रखना है पानी में डाल के क्यों रखते हैं बाहर से डार्क नहीं होते हैं ऐसे रख देंगे बाहर से डार्क हो जाएंगे तो आपने भी इस तरीके से पानी में डाल के रखने आलू तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तीन प्याज दिए हैं प्याज को हमने चॉप करना है थोड़ा ब्रीक ब्रीक वन बाई टू करेंगे सबसे पहले हमने काट लगाने हैं इस तरह से देख सकते हैं आप आवन भी इस तरीके से पहले इनको काट लगाने हैं उसके बाद इनको चॉप कर लेना है इस तरह से तो देख सकते हैं आप प्याज ऑफ कर लिया मेथी सूख गई है उसके बाद हमने मेथी के पत्ते निकालने इस तरह से देख सकते हैं अब हमने छोटे छोटे इसके पत्ते निकाल देने ये वाले टंडल है ना इनको हमने हटा देना है जो गलते नहीं है जो कड़वे टेस्ट देते हैं तो आपने भी इस तरीके से मेथी के पत्ते पत्ते निकाल लें जो मोटे मोटे, -मोटे टंडल है ना आपने भी इनको हटा देना जो मोटे टंडल नहीं डालने ये कड़वे होते हैं और गलते भी नहीं है ये तो देख सकते हैं आप जितनी भी मैंने मेथी ली थी सभी के मैंने पत्ते पत्ते निकाल दिए और मोटे मोटे टंडल हटा दिए दे हैं देख सकते हैं आप तो आपने भी इस तरह से मेथी के पत्ते पत्ते निकाल देने और मोटे मोटे टंडल हटा देने हैं देख सकते हैं आप इतने इतने टंडल आपने भी डाल देने हैं ये नहीं फेंकने आपने उसके बाद मेथी की कटिंग करेंगे तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो अगर मोटी मोटी काट सकते हो तो मोटी मोटी काट देना अगर ब्रिक कर सकते हो तो आपने ब्रीक काट लेनी है मेथी तो आपने भी इस तरीके से मेथी की कटिंग कर लेनी है तो देख सकते हैं मेथी की कटिंग हो गई है उसके बाद तड़का लगाते हैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया सबसे पहले सरसों का तेल ऐड करेंगे आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हो तो लगभग यहाँ पे मैं तीन चम्मच तेल के ऐड कर रहा हूँ जब भी हम सरसों के तेल में कोई डिश बनाते हैं सबसे पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खत्म कर लेना है उसके बाद तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है उसके बाद साबुत सौंफ ऐड करेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा भी डालना है जीरा भी डाल दिया सौंप भी डाल दी थोड़ा सा तिड़ने देना है उसके साथ ही हमने इसमें लहसुन ऐड करना है ब्रिक चॉप करके उसके साथ ही थोड़ा सा अदरक भी ऐड करेंगे चॉप करके उसके साथ ही हमने प्याज भी डाल देना जो चॉप करके रखा था चार से पाँच हरी मिर्ची ली थी जिनकी मैंने वन वाई टू किया साथ में वो भी ऐड कर देंगे उसके साथ ही हमने आलू भी डाल देने जो क्यूब्स में काट के रखे थे प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है साथ साथ वहीं डाल देते हैं उसके साथ ही आलू भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं अब आप ये सोच रहे होंगे प्याज तो पका ही नहीं था आलू इसने पहले ही डाल दिए आलू मैंने पहले क्यों डाले जब तक प्याज पकेगा तब तक हमारे आलू भी गल जाएंगे अच्छी तरह से तो आपने जब भी कोई आलू मटर आलू बीन्स वगैरह बनानी हो तो आलू आपने पहले ही डाल देने साथ साथ में पक जाते हैं तो जल्दी भी हो जाती है सब्जी को बनाने में उसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे बाकी मसाले हमने बाद में डालने नमक पहले डाल देते हैं अब हमने कढ़ाई को ऊपर से कवर कर देना है और आलूओं को कवर करके पकाना है कवर करके कितनी देर पकाना है कम से कम पाँच मिनट तक पहले पका लेते हैं फिर चेक कर लेंगे इनको एक बार गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखनी है और इनको आराम से पकने देना है पाँच मिनट तक बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हो इनको तो देख सकते हैं आप आलू कवर करके रखे थे लगभग पाँच मिनट तो हो गए हैं एक बार चेक कर लेते हैं इनको उसके बाद आलू चेक कर लेते हैं देख सकते हैं अब आलू 40 परसेंट तक तो पक चुके हैं उसके बाद हमने तीन से चार मिनट तक और पकाना है उसके बाद इनमें मेथी डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच भर के रेड मिर्ची का पाउडर भी डालना है हल्दी मिर्च डाल दी उसके बाद आलुओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हल्दी मिर्च को उसके बाद आलुओं को फिर से कवर करके पकाना है पाँच मिनट पहले पकाया चार मिनट तक और पकाना है इनको बाकी मसाले हमने लास्ट में डालने है। <coughs> हैं आलुओं को कवर करके रखा था लगभग तीन मिनट हो गए हैं पाँच मिनट तक पहले पकाया था तीन मिनट और हो गए हैं आठ मिनट टोटल हो गए हैं इनको पकते हुए उसके बाद चेक कर लेते हैं अब आलू चेक कर लेते हैं गल चुके हैं नहीं गले हैं चेक कैसे करना है एक आलू लेना है पलटे से ऐसे दबाना है ना देख सकते हैं अब आलू अच्छी तरह से गल गए हैं उसके बाद हमने इसमें मेथी भी डाल देनी है जो बरीक काट के रखी थी उसके बाद मेथी को भी हमने आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब बचे हुए मसाले ऐड कर लेते हैं सबसे पहले धनिया पाउडर ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल लेंगे बस इतने ही मसालों का यूज़ करना है ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं उसके बाद इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद मेथी को भी ऊपर से कवर करके पकाना है कम से कम दो मिनट तक गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखनी है और दो मिनट तक मेथी को भी पकने देते हैं आलू के साथ मेथी को कवर करके पका रहा था दो मिनट हो गए हैं चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप दो मिनट में मेथी अच्छी तरह से पक चुकी है आलू पहले ही पके हुए थे लास्ट में हमने इसमें ब्रीक कटा हरा धनिया ऐड करना है अब आप सोचोगे इसमें ब्रीक कटा हरा धनिया डाल रहा है धनिया का अपना फ्लेवर है और मेथी का अपना है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट ओके फ्रेंड्स थैंक यू